बाबा विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मस्थली यानी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिस तरह की वारदात आईआईटी बीएचयू में हुई है, उसके बाद पूरा देश शर्मसार है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये पुलिस कटघरे में खड़ी हुई क्योंकि 3 आरोपियों की पहचान उजागर होने के बावजूद बीजेपी के होने के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था और आरोप है कि 60 दिन की देरी इसी वजह से हुई। दरअसल पकड़े गए आरोपियों का रिश्ता बीजेपी से है और उनके बड़े नेताओं के साथ संपर्क भी हैं। कई नेताओं के साथ उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर आई है। ये 3 आरोपी बीजेपी पार्टी के आईटी सेल महानगर पदाधिकारी निकले हैं, यानी 3 आईटी सेल से जुड़े हुए थे। 1 नवंबर को हुई आईआईटी के अंदर इस घटना के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, मामले में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो सीधे आरोपियों को बीजेपी से जुड़ा हुआ पहले ही बता दिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने गिरफ्तार करने में भले ही 60 दिन का वक्त लगा दिया हो, लेकिन कांग्रेस के नेता अजय राय के खिलाफ इस बात से कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं इतना कहने के बाद उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो गया था, वो भी लंका थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब इस मामले में खुलासा हुआ है और इस खुलासा होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी पर यानी बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल 1 नवंबर 2023 को BHU IIT परिसर के भीतर एक छात्रा के साथ देर रात में 3 लोगों ने छेड़खानी करते हुए उसका न्यूड वीडियो बनाया था। इसके साथ ही बाद में उन्हीं आरोपियों के खिलाफ एक 376 का यानी सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था और इस घटना के बाद IIT के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मामले में 376D की धारा बताते हैं कि आंदोलन के बाद ही लगाई गई थी। इस मामले में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अजय राय ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जब घटना हुई थी उसके तत्काल एक हफ्ते के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ था वो पुलिस के ऊपर बहुत कुछ और पुलिस की कार्रवाई पर काफी कुछ कह रहा है। दरअसल लंका थाने में जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें तमाम धाराएं लगाई गई थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल आरोपी की पुष्टि होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अब पुलिस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि घटना के एक हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को इस बात का पता चल गया था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आरोपी मध्य प्रदेश के चुनाव में भाग कर प्रचार करने पहुंच गए थे, यहां वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद सतना और मैहर रीवा होते हुए जबलपुर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जब विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये जानकारी उन्हें बहुत सटीक लगी थी और लंका थाने के थाना अध्यक्ष और ACP भेलूपुर पर सत्ता पक्ष का दबाव होने का भी आरोप अजय राय ने लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए थे, उनका नाम लेते ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद दबाववश आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो पाई है, लेकिन न्याय मिलेगा इसमें संशय है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई काफी कुछ कह रही है। आपको बता दें पकड़े गए 3 आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल का संयोजक है, वहीं सक्षम उसका सबऑर्डिनेट यानी सह संयोजक, जबकि आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है। तीनों लोग बुलेट मोटरसाइकिल में बैठकर उस रात को यानी 1 नवंबर की रात को IIT गए थे। वहां से निकलते वक्त उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ घूम रही IIT की छात्रा के साथ बस सलूकी की थी और उसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। दरअसल सक्षम पटेल जो कि इसमें से सह संयोजक IIT सेल का और आरोपी है, वो काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल का कुछ दिन पहले तक PS भी रह चुका है यानी पर्सनल सेक्रेटरी तक। इसके अलावा कुणाल पांडे ही आईटी सेल के सदस्यों की नियुक्ति करता है जिसने कुणाल पांडे को भी अपने अंदर रखा था। इसके अलावा कुणाल पांडे को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि सराय सर्जन वार्ड के BJP पार्षद का वो दामाद भी है जिसकी पिछले साल ही शादी हुई थी। शादी शुदा होने के बाद उसकी इच्छा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन उससे पहले ही इस जघन्य और घृणित अपराध को वो अंजाम दे बैठा और अब जेल की सलाखों के पीछे। हालांकि इसके खिलाफ एक और मामला है कि आनंद चौहान के ऊपर भी भेलूपुर थाना क्षेत्र में साल 2022 में भी एक छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा जाता है कि 3 लोगों ने शराब पीकर इस वारदात को अंजाम दिया था और गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।